वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल टीपी ग्लोबल से किसी भी व्यक्ति को विड्रॉल नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि उनका पैसा डूब ही चुका है और केस ईडी के हाथ में। आप सभी को पता होगा, जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं वो ईडी ही ज़्यादातर उन पर इन्वेस्टिगेशन करता है, राइट। और जो इन्वेस्टर्स है वो अब इसलिए परेशान है कि उनको विड्रॉल कैसे मिलेगा। तो ऐसे में बहुत सारे जो मासूम इन्वेस्टर्स, जिनको की नॉलेज नहीं है, राइट, उनका ये सवाल होता है कि क्या जो उनका पैसा, जो इन्वेस्टमेंट है, क्या वो ईडी रिफंड करेगा। ऐसे सवाल बहुत सारे व्यक्ति व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पेज पर, तो कभी कमेंट बॉक्स में इस तरीके के सवाल मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो ईडी रिफंड करेगा, राइट। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ, आप लोगों ने गलत प्लेटफॉर्म के थ्रू, इलीगल प्लेटफॉर्म के थ्रू, गलत जगह पर पैसा लगाया था, राइट। तो इसलिए आपका जो पैसा वो एक तरीके से ब्लॉक है। आप ये सोचे कि आपका डूब गया है या फिर आप उम्मीद रखें कि रिफंड मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या उम्मीद रखते हैं। लेकिन क्योंकि आपने गलत जगह लगाया था, गलत प्लेटफॉर्म के थ्रू लगाया था, इसलिए फिलहाल की डेट में आपका पैसा ब्लॉक है। अब सवाल आता है कि क्या ईडी रिफंड करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडी किसी का पैसा रिफंड नहीं करता, ना ही वो करवाता है। वो सिर्फ केस की तहकीकात करता है और जो भी जज साहब का फैसला होता है फिर आगे वैसा होता है। लेकिन ईडी कभी भी किसी को कोई रिफंड नहीं देता, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो दी आप सभी को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो इस प्रकार के स्कैम्स में अपना पैसा लगा देते। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।